महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में ही 12 साल की वो बच्ची, कभी किसी दरवाजे पर तो कभी किसी दरवाजे पर गुहार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी पुकार। कमर के नीचे बदन पर कपड़ा नहीं, खून से लथपथ जख्मी हालत, अधनंगा बदन, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, वो 2.5 घंटे तक गलियों में भटकती रही, लेकिन उसकी गुहार, उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। इंसानियत जैसे मर गई हो। एक रेप पीड़ित बच्ची के दर दर भटकने की झकझोर देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक फुटेज में ये दिख रहा है कि एक शख्स अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा है, लड़की मदद की भीख मांगती है, लेकिन वो बेशर्मी से दुत्कारते हुए आगे बढ़ने को कहता है। ये घटना है धर्मनगरी उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड की। क्या ये सब देखकर आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि आखिर कैसे इंसान हैं हम? आखिर हम कैसे इंसान हैं जो रेप पीड़ित बच्ची की मदद करने के बजाय उसे दुत्कारते हैं? ऐसी घटनाओं पर हम सिस्टम पर तो बहुत आसानी से सवाल कर देते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन एक सवाल हमें खुद से भी जरूर पूछना चाहिए कि आखिर कैसे इंसान हैं हम? हम अक्सर किसी के देवदूत बनने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन खुद देवदूत बनने की जहमत नहीं उठाते। इस बारे में आपको और हमें एक बार तो जरूर सोचना चाहिए। बहरहाल इस खबर की अपडेट आपको बता दें कि बच्ची से रेप का आरोपी भरत सोनी पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गया है। और ऑटो चालक है जिसपे एक अलग से प्रकरण दर्ज किया जाएगा पुलिस को ना रिपोर्ट करने के लिए कि उसके सामने एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके साथ कोई घटनाक्रम हुआ था, पर पुलिस को ना सूचित करने के लिए एक FIR अलग से दर्ज की जाएगी। क्योंकि फरियादिया के द्वारा घटनास्थल कहां पर है ये नहीं बताया गया था, तो आरोपी को वापस रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने वहां जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनको धक्का दिया, जो चोटिल हुए वो भी लगातार जो मेडिकल असिस्टेंस है उनको दी जा रही है, इसी दौरान वो घायल हुए। जानकारी के मुताबिक जब घटना स्थल देखने के लिए पुलिस आरोपी को ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस दल पर हमला किया और जवाब में पुलिस ने भी उसके पैर पर गोली चला दी। इस घटना में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक आरोपी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए इस मामले पर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। अभी एक घायल आया है, पुलिस द्वारा हमारे पास लेकर आया गया है। अभी उसके पैर में चोट है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अभी उसको अपने लोगों ने OT में शिफ्ट कर दिया है, सर्जन को बुलवाया है, आके सर्जन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति है। आमतौर पर मनुष्य का स्वभाव कुछ इस तरह का होता है कि चाहे कितनी ही बड़ी घटना क्यों ना हो, कुछ समय बीत जाने के बाद हम उस घटना को भूल ही जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को ना आपको भूलना चाहिए और ना हमें। आपको बता दें, 3 दिन पहले आरोपी ने बालिका से दुष्कर्म किया था, जिसका उपचार इंदौर में चल रहा है। लड़की सतना की है, वो 8वीं की छात्रा है। वो 24 सितंबर से घर से लापता थी। उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी। रेप पीड़िता मदद के लिए 2.5 घंटे तक दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद वो एक आश्रम पहुंची, जहाँ के एक पुजारी ने उसे अस्पताल पहुँचाया और पुलिस को खबर दी। अब आरोपी के एनकाउंटर के पीछे साजिश है या वाकई पुलिस की बातों में सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उस बच्ची और ऐसी कई और बच्चियां जो इस तरह की कृत्यों की शिकार होती हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने की मुहिम आपको और हमें शुरू जरूर करनी चाहिए। नमस्कार।